लार्ज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एमएस एक्सेल में डेटा वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है और एमएस एक्सेल में इसका यूज़ क्यों किया जाता है। दोस्तों मैं डेटा वैलिडेशन में एमएस एक्सेल में 2007 जो इसका वर्जन है एमएस एक्सेल का उस पर बताने वाला हूँ। उससे पहले ये कि डेटा वैलिडेशन का यूज़ क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मान लीजिए कि आपने कुछ भी एक्सेल में आप कुछ भी एंट्री कर रहे हैं तो बाई चांस क्या होता है कि अगर कोई दूसरा उस व्यक्ति उस पर एंट्री करता है तो कुछ वो गलतियाँ कर देता है, ठीक है। तो वो गलतियाँ ना हो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं और ये एक प्रकार से जैसे कि एक्सेल में लॉक होता है, जैसे कि हम घरों में क्या करते हैं लॉक करने के लिए ताला लगाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी एक्सेल में हमें लॉक करने के लिए डेटा वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है। तो उसमें से मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और थोड़ा सा कुछ एडवांस आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एमएस एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटा में जाना है, ये इंसर्ट मेनू पे डेटा में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डेटा में जाएंगे और यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, ये ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारे जो इसमें ऑप्शंस आते हैं इसमें आपको काम करना है। तो अब इसको कैसे काम करना है उसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पास कुछ फील्ड ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ सीरियल नंबर, और नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, और इसमें ले लेता हूँ मैं जेंडर, और इसमें ले लेता हूँ सिटी और स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पास कुछ फील्ड दिया है। इस फील्ड को जैसे मैं यहाँ पास जैसे सीरियल नंबर है 1 2, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ ये। अब उसके बाद यहाँ पास नेम, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, सुरेश, रमेश, महेश, दिनेश, रवि, राजू, कुमार, सुनीता, सुरभि, ममता, आरती, ठीक है। तो हमने यहाँ पास कुछ नाम लिए हैं। अब यहाँ पास हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप डाल सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो इसको आप मैंने फिल कर दूँ यहाँ पास। उसके बाद यहाँ पास एज है, जैसे कि मुझे यहाँ पास एज डालना है, जैसे मैं यहाँ 18 और 7, मान लीजिए कि मैं यहाँ पास एज डालना है, हमें एज डालना है, मगर हम उस एज को क्या है 18 से और 60 के बीच में डालें। जैसे कि मैं यहाँ पास 18 और 60, ठीक है, तो मैं ये एज दोनों एज इसके बीच के नंबर में ही डालना चाहता हूँ। अगर यहाँ पास कोई 17 डाले यहाँ पास एरर शो कर दे, ठीक है, तो और यहाँ अगर कोई 62 डाले तो भी यहाँ आपको एरर शो कर दे, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें इसके लिए मुझे क्या करना है, इसमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पास एज में इसको क्लिक करना है, एज में क्लिक करना है, उसके बाद आपको डेटा में जाना है और उसके बाद यहाँ पास डेटा वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पास डेटा वैलिडेशन फर्स्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। इसमें आपको यहाँ पास एनी वैल्यू दिखा है, यहाँ पास आप क्लिक करेंगे और यहाँ पास आप लिस्ट में क्लिक करेंगे, सॉरी होल नंबर में आपको क्लिक करना है, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास डेटा बिटवीन आ जाएगा, यहाँ पास आपको मिनिमम और मैक्सिमम दिखेगा,
यहाँ पर मिनिमम में आपको यहाँ क्या डालना है 18 और मैक्सिमम में आपको डालना है 60। मतलब ये यहाँ जो मिनिमम है कितना होगा 18 है और मैक्सिमम कितना है 60। उसके बाद यहाँ पर आपको इनपुट मैसेज देना है, यानी आपको बताना भी पड़ेगा ना यहाँ पर कि आपको यहाँ पर 18 से 60 के बीच में ही डालना है, कोई भी एज अगर डालना है तो 18 से 60 के बीच में डालना है। यहाँ पर डालना इनपुट आपको यहाँ पर टाइटल दे देना है और मैसेज दे देना है। टाइटल दे सकते हैं आप जैसे कि प्लीज पुट बिटवीन 18 to 60। उसके बाद यहाँ पर मैसेज दे दीजिए इंटर योर एज कितना एज 80 to 60। ठीक है, और यहाँ पास एक अलर्ट मैसेज है, एरर अलर्ट, इसमें आपको अगर यहाँ पास कुछ गलत नंबर डाल पुट करते हैं यहाँ पास आपको क्या कहते हैं उसमें आपको बता दे कि आपने नंबर गलत डाला है। यहाँ पास डाल दीजिए प्लीज चेक योर एज। ठीक है, इसी टाइटल को मैं यहाँ भी डाल देता हूँ। ठीक, आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको क्या करना है ओके कर देना है। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ अब मुझे यहाँ तक लेना है तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रैग कर लूँगा ये। अब जैसे मैं इसमें डालता हूँ 17। ठीक है, ये यहाँ पास देखिए इधर आ गया प्लीज चेक योर एज। ठीक, उसी तरीके से मैं यहाँ पास क्या डालता हूँ 18, मैं यहाँ पास 60 डालता हूँ 60 ये, यहाँ पास मैं 45 डालता हूँ तो ले रहे हैं और यहाँ पास एक मैसेज भी दे रहा है प्लीज, अच्छा सॉरी यहाँ पास मिस्टेक हो गया, प्लीज पुट बिटवीन 18 to 16 इंटर योर एज बिटवीन 18 to 16। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम जेंडर में। जेंडर में जैसे क्या होता है कि हम जेंडर मेल या फीमेल डाल सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर साइड में कहीं भी आप एक लिख के रख सकते हैं MAIL मेल और एक फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल आप क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है जेंडर में और उसके बाद आपको फिर से जाना है डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पास इसको साइड में कर लेना है। यहाँ पास देखिए आपको सेटिंग्स में आना है। ठीक है, सेटिंग्स में है, यहाँ एनी वैल्यू है इसको आपको क्या करना है यहाँ पास लिस्ट, यहाँ पास लिस्ट दिख रहे हैं लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पास आपको सोर्स में क्लिक करना है और इन दोनों को आपको यहाँ पास सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास देखिए आपका जो इसका एड्रेस है यहाँ पास सोर्स में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पास ओके कर देना है। तो यहाँ पास आप इसमें भी मैसेज आप दे सकते हैं, तो यहाँ पास आप मैसेज भी दे सकते हैं सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, तो यहाँ भी आप मैसेज देखें प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, अलर्ट भी चाहें तो आप अलर्ट भी दे सकते हैं ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पास ओके कर देंगे। यहाँ पास देखिए जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पास एक बटन आ जाता है साइड में, उसके लिए आपको यहाँ पास पहले सबको क्या करना है यहाँ पास आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है जितना भी आपको चाहिए। यहाँ पास आने के बाद जैसे आप जेंडर में यहाँ पास क्लिक करेंगे
यहाँ पास मेल एंड फीमेल आ जाएगा, ठीक है, ये मेल। तो इस तरीके से आप यहाँ पास क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें कुछ अपने अलग से डालते हैं, जैसे सुदेश कुछ डाल दिए इसमें, ये देखिए यहाँ पास आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पास इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पास डेटा वैलिडेशन की सहायता से इसको बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे इसमें कोई अदर पर्सन है, अदर व्यक्ति है, कुछ इसमें गलत मैसेज डाल देता है तो वो क्या हो जाएगा, एरर शो कर देगा। इसी तरीके से आप सिटी का यूज़ भी कर सकते हैं। सिटी के लिए आप भी यहाँ पास आप इसको यहाँ पास लिख सकते हैं, जैसे कि मैं रहता हूँ बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। इस तरीके से आप जितने भी सिटी आप डालना चाहते हैं उसमें, उतने सिटी को आप यहाँ पास लिख लीजिए पहले से, और उसके बाद यहाँ पास क्लिक कीजिए, और यहाँ पास आप डेटा वैलिडेशन में चले जाइए, और उसी तरीके से आप यहाँ पास सेटिंग में चले जाइए, आप यहाँ पास लिस्ट में चले जाइए, और आपको यहाँ पास सोर्स में क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करना है और ओके करना है, ठीक है। फिर इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पास इसको आप खींच लीजिए पहले, जी जहाँ तक भी आपको रखना है। जैसे ही अब यहाँ साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए आपके जो सारे ऑप्शंस हैं ये आ जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे आप ये यहाँ पास लिखते हैं कि इसका एड्रेस इसमें शो होता है, कि इसको आप अगर आप कहीं से डिलीट कर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पास ये आपका ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप इसको ऐसे जगह पर सेट करके रखिए जहाँ से इसको डिलीट ना कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको डेटा वैलिडेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।